Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Puniyar Classes. I am Kapil Kumar, CSIR NET JRF faculty for mathematics. Welcome back to our PYQ yani ki previous year questions series. Is series mein hum CSIR NET JRF ke previous year ke questions discuss karte hain. तो आज हम जून 2019 के लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सीरीज में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 22, पेपर कोड इज बी. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर. हमें बताना है कि हमें चार मैट्रिसेस दे रखी हैं कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स. तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें याद करते हैं. ओवर आर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होने के लिए पहली कंडीशन है कि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज, ऑल ऑफ द आइगन वैल्यूज of that matrix should be real. Clear? Second, a matrix is diagonalizable if and only if the AM value of any eigenvalue lambda is equals to GM value of that eigenvalue lambda. That is, अगर कोई भी lambda आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो ए की जो मल्टीप्लिसिटी है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ऑब्वियसली रूट है लैम्डा, बट किस मल्टीप्लिसिटी का रूट है दैट इज कॉल्ड द एएम वैल्यू ऑफ लैम्डा. एंड जीएम वैल्यू मींस द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द जीएम वैल्यू. Dimension of null space of A minus lambda I is called the GM value of lambda. ऐसे बोल सकते हैं nullity of A minus lambda I also. तो यानी कि कोई भी matrix, square matrix diagonalizable होगी if and only if उसकी हर eigen value lambda के corresponding जो AM वैल्यू है लैम्डा की वो और जो GM वैल्यू है लैम्डा की वो इक्वल होनी चाहिए. क्लियर है? ऑब्वियसली ओवर R डायगोनलाइजेबल पूछ रहा है तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज R में यानी रियल नंबर भी होनी चाहिए. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं मैट्रिक्स नंबर 2 को डिस्कस करूंगा. हम धीरे धीरे करेंगे क्या मैट्रिक्स नंबर 2 डायगोनलाइजेबल है या नहीं. बहुत सिंपल क्वेश्चन. मैट्रिक्स नंबर 2 क्या है? 1 1 1 1. नाउ वी नो दैट इफ सम ऑफ ऑल रोज इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल देन दैट शुड बी ए आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स. यहां पे इस रो का सम भी 2 है और इस रो का सम भी 2 है, तो दैट सम यानी कि 2 शुड बी ए आइगन वैल्यू ऑफ this matrix. And obviously the rows are not linearly independent, that is linearly dependent, so rank of this matrix is not equals to 2, hence 0 should be a eigenvalue as well. Clear? तो इस matrix के जो eigenvalues हैं वो है, एक eigenvalue है 2 और एक eigenvalue है 0. Now we know very well कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है. सो दिस मैट्रिक्स इज ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. सो द ऑप्शन 2, दिस इज एन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. सो और वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. क्लियर है? अब नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं. नेक्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं. 2x2 दोनों पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में 3x3 दोनों डिस्कस कर लेंगे.
That is, that matrix is 1 minus 1, 2, 4. The matrix in option number 4 is 1 minus 1, 2 and 4. हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, 2, 4 माइनस लैम्डा एंड दिस, इसको जीरो इक्वेट करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज मिलेंगे। रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल्स आर आइगन वैल्यूज, सो इट विल बी 1 माइनस लैम्डा इनटू 4 माइनस लैम्डा minus minus 2 is equals to 0, so we get lambda square minus 5 lambda plus 4 plus 2 is equals to 0, so we get lambda square minus 5 lambda plus 6 is equals to 0, and it is clear the this polynomial ko agar hum factorize karenge to this will be factorized in lambda minus 3 and lambda minus 2 is equals to 0, to iske do root aayenge, ek root hoga 2, ek root hoga 3। Again two eigen values hain iski 2 or 3, all the eigen values of this matrix are distinct, so again this matrix is diagonalizable, so this matrix is also diagonalizable, so पर उसने not diagonalizable पूछा है, तो ये हमारा option again नहीं होगा। clear है? next आते हैं, first वो matrix है 201030, 201 matrix is 201 030002 अब अगर हम देखें इस obviously triangular matrix है, triangular matrix के eigen values क्या होती है, the diagonal entries, so इस matrix के जो आइगन वैल्यूज होंगी वो एक होगी 2, फिर 3 और तीसरी भी 2, यानी कि 2 2 3। क्लियर? तो जो एम वैल्यू है 3 की वो तो है 1, और देन ऑब्वियसली जीएम वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल्स टू, जो जीएम होगा किसी भी आइगन वैल्यू का वो लेस देन इक्वल्स टू एम होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो क्लियर है फॉर एनी आइगन वैल्यू, सो जीएम वैल्यू भी यहां से ट्रिवियली 3 की 1 आ जाएगी, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो जो एएम और जीएम वैल्यूज हैं वो हमेशा इक्वल होंगी, दोनों 1 है। किसी भी मैट्रिक्स की अगर कोई आइगन वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसकी जीएम वैल्यू एएम वैल्यू ऑटोमेटिकली हमेशा इक्वल हो जाएंगी, तो 3 की तो एएम जीएम वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 2 की, 2 की जो am वैल्यू है मल्टीप्लिसिटी वो है 2, क्योंकि दो बार रिपीट कर लिया ये आइगन वैल्यू, सो द am वैल्यू ऑफ 2 इज 2। अब gm वैल्यू फाइंड करते हैं, gm वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स माइनस 2i, इफ दिस इज ए मैट्रिक्स a देन gm वैल्यू इज a माइनस लैम्डा i की जो नलिटी होती है उसको हम बोलते हैं gm वैल्यू, तो ये a है तो a माइनस लैम्डा i अगर मैं निकालूंगा कोरेस्पोंडिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, दिस विल बी 0 0 1 0 1 0 0 0 0। आई होप क्लियर है आप सभी को। डायगोनल में से 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा, डायगोनल में से 2 सबट्रैक्ट होगा तो बाकी सब पोजीशंस एज इट इज, यहां 0 हो गए, यहां 1 आ गए, यहां 0 आ गए। नाउ इस मैट्रिक्स का अगर मैं रैंक पूछूं आपसे तो आप बताओ कि मुझे रैंक कितना इस मैट्रिक्स का, ऑब्वियसली 2 रैंक है, ये रहा ना 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट जो नॉन जीरो आएगा। क्लियर? सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, अगर रैंक 2 है तो इसकी नलिटी कितनी होगी, नलिटी इसी मैट्रिक्स की वो होगी 3 - 2,
विच इज इक्वल्स टू वन, यानी इस मैट्रिक्स की नलिटी वन है, पर इस मैट्रिक्स की नलिटी को हम क्या बोलेंगे, जी एम वैल्यू ऑफ टू। तो जो जी एम वैल्यू है टू की वो कितनी है, वन। जी एम वैल्यू है टू की वन, और जो ए एम वैल्यू है टू की वो है टू। दे आर नॉट इक्वल। अगर किसी भी एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ए एम और जी एम वैल्यू इक्वल ना मिले तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नॉट डायगनलाइजेबल। सो दिस मैट्रिक्स ए इज नॉट डायगनलाइजेबल, दिस मैट्रिक्स ए इज नॉट डायगनलाइजेबल, हेंस आवर आंसर इज राइट, क्योंकि उसने नॉट डायगनलाइजेबल पूछा है। सो मैट्रिक्स फर्स्ट जो हमें दे रखी है दैट इज नॉट डायगनलाइजेबल। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट मैट्रिक्स दैट इज ऑप्शन नंबर 3 2 1 0 0 3 0 0 0 3। तो द मैट्रिक्स इज 2 1 0 0 3 0 and 0 0 3। Now अगेन सिमिलरली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होगी डायगनल एंट्री। तो 2, 3, 3 आर द आइगन वैल्यूज। अब 2 की तो जो ए एम वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, और अगर किसी भी आइगन वैल्यू की ए एम वैल्यू अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जिसे हम बोलते हैं अगर वो 1 है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही आएगी। सो इसकी तो ए एम और जी एम वैल्यू अपने आप इक्वल हो जाएंगी। हम सिर्फ किसके लिए चेक करेंगे, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ए एम वैल्यू अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो है आइगन वैल्यू 3 की वो तो है हमारी 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रही है ये आइगन वैल्यू। वो हम चेक करते हैं किसकी जी एम वैल्यू क्या, जी एम क्या होगी मैट्रिक्स। अगर ये ए है तो ए माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना ले रहे हैं हम, आइगन वैल्यू 3, तो ए माइनस 3 आई कैलकुलेट करेंगे वो आएगा -1 1 0 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
rank 1 है तो nullity कितनी होगी, nullity of this matrix is equals to number of columns यानी कि 3 minus rank 1 which is 2, तो जो nullity आई वो आई 2, पर ये जो nullity होगी वो 3 की क्या होगी, gm value, यानी कि जो gm value है 3 की वो भी कितनी है 2, क्या equal आ गई ये दोनों, हाँ, तो 3 की जो am gm values हैं वो भी equal हैं, और जो 2 की जो AMGM arithmetic multiplicity and geometric multiplicity वो भी equal है, तो this matrix is also diagonalizable, so this matrix is also diagonalizable, पर उसने पूछा है not diagonalizable, so ये option भी हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा जो सिर्फ option number 8 ठीक, this is a matrix which is not diagonalizable. I hope clear है आप सभी को. Now next go to next question. That is the same paper June 2019. Paper code है B और question number है 62. सबसे पहले question को समझते हैं क्या कह रहे हैं. Let Ln उसने क्या बोला. Ln with the space of R linear maps. R linear maps की का मतलब Rn over R आप vector space consider कर रहे हो, तो Rn over R से Rn over R पर ही linear maps या linear transformation का space है, कि सारे ऐसे सारे linear transformations जो Rn over R से Rn over R में उनकी कलेक्शन, उनका स्पेस, उनका सेट है Ln, ठीक है. कर्नल T डिनोट क्या करता है, नल स्पेस को, नल स्पेस ऑफ T, एंड देन और जो रेंज T डिनोट करता है वो रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T डिनोट करता है, तो वो पूछ रहा है सिंपल सा क्वेश्चन. ऑप्शंस दे दिए, मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो हर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन. पहला ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट एन
T belonging to L R5 माइनस सिंगलटन जीरो, यानी कि वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले रहा, ठीक है, सच दैट क्या होगा, रेंज ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू होगा कर्नल ऑफ टी, क्लियर है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो टी कहां होना चाहिए, एल आर फाइव में, एल आर फाइव में क्या है, इस आर फाइव ओवर आर से R5 over R पर जितने भी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी कलेक्शन है LR5, है ना। तो यानी कि अगर T LR5 का एलिमेंट है दैट मींस T इज ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 टू R5। आई होप आपको क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यानी कि T इज ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 टू R5, और अगर T R5 से R5 पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन सिंपल सा ड्रेंकनलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं, ड्रेंकनलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर लॉ यूज करेंगे हम, वो क्या कहता है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर फाइव, क्लियर है आप सभी को। तो वहां से क्या आएगा, बट रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी क्या इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि रैंक ऑफ टी क्या होता है, रेंज स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन, और नलिटी ऑफ टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन। अब अगर रेंज स्पेस ऑफ टी और कर्नल स्पेस ऑफ टी अगर इक्वल हो गए तो दोनों की डायमेंशन भी इक्वल हो गई, तो यानी कि रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी इक्वल हो गई ये वैल्यूज, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं टू टाइम्स रैंक ऑफ टी या फिर टू टाइम्स नलिटी ऑफ टी is equals to dimension of R5 over R which is equals to 5। यहाँ से अब nullity of T या rank of T is obviously a non-negative integer, so 2 times is a even number, क्या left side तो कह दिया कि even होना चाहिए, right side और ये कह दिया कि 5 के equal है, तो this is a contradiction, यानी कि किसी भी transformation T के corresponding जो LR5 में है उसकी rank और कर्नल सेम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते सेम, क्योंकि अगर वो सेम आए तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5 आएगा, व्हिच विल बी ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज़ 5 इज ए ऑड नंबर, तो दैट कैन नॉट बी ए मल्टीपल ऑफ 2। रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी आर ऑब्वियसली इंटीजर, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो ऑप्शन नंबर 1 इज गलत, देयर एग्जिस्ट दिस ऑप्शन नंबर 2, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी from R5 minus singleton 0 such that this is the right answer। I hope आपको clear है। अब discuss करते हैं option number 3। option number 3 में वो क्या कह रहा है, there exists a T belonging to R6, क्या है option number 3, there exists T belonging to LR6 such that rank of T is equals to nullity of T। अब देखो अगर हम यही काम जैसे हमने पीछे किया था उस तरह से करेंगे तो हमारा ऑप्शन इस केस में आएगा 2 टाइम्स रैंक ऑफ T, I'm sorry, यहाँ पे rank of t नहीं है, यहाँ पे I think range space दे रखे हैं, such that range space of t is equals to range of t is equals to kernel of t। अब similarly अगर हम पिछले question की तरह करेंगे तो 2 times rank of t is equals to 2 times nullity of t
इज इक्वल्स टू 6 आएगा ये दोनों ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल है पर अगर पॉसिबल है तो हमें तो उसने ये कहा ना कि देयर एग्जिस्ट तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन शो भी करना पड़ेगा क्लियर तो हम ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस की गारंटी देते हैं और अभी कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे अब देखो आर सिक्स से आर सिक्स पे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है ये है हमारा आर सिक्स और ये है हमारा आर सिक्स ऐसा करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं दोनों साइड इसका ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स यहां पे ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स वेयर ई वन क्या है 1000000 ई टू क्या है 01000 ई थ्री में थर्ड थर्ड कंपोनेंट जो होगा वो 1 होगा एंड सॉन्ग ठीक है स्टैंडर्ड बेसिस है हमें काम करते हैं यहाँ पे जीरो वेक्टर भी है आर सिक्स में वो भी इधर लिखो ऐसा करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ई वन को ले जाएगा जीरो पे ई टू को ले जाएगा जीरो पे ई थ्री को ले जाएगा जीरो पे क्लियर अब ई फोर को हम ऐसा करते हैं ई वन पे ले जाएगा ई फाइव को ई टू पे ले जाएगा ई सिक्स को ई थ्री पे ले जाएगा नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट इस केस में जो नल स्पेस आएगा वो नल स्पेस हम देखते हैं लेफ्ट साइड इस आर सिक्स का लेफ्ट साइड का इस आर सिक्स का एक सब स्पेस होगा और वो नल स्पेस यहाँ पे देखो आप कौन कौन से वेक्टर जीरो पे मैप हो रहे हैं ये तीनों इन तीनों से स्पैन होगा यानी कि जो नल स्पेस होगा हमारा वो होगा स्पैन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री आई होप आपको क्लियर है और नल स्पेस या फिर इसको कर्नल भी बोल देते हैं कर्नल ऑफ पी नेक्स्ट हम करेंगे कि रेंज स्पेस ऑफ पी वो किससे स्पैन होता है स्पैन होता है वो इमेज ऑफ पी इवन इवन की इमेज अंडर टी पी ऑफ ई टू पी ऑफ ई थ्री पी ऑफ ई फोर पी ऑफ ई फाइव P of E6 now P of E1 E2 E3 तो कितने हैं जीरो वेक्टर P of E4 कितना है E1 है P of E5 कितना है E2 है P of E6 कितना है E3 है और वापस से अगर मैं देखूंगा तो ये स्पैन अब जीरो वेक्टर तो स्पैन में कोई इफेक्ट नहीं डालता सो दिस विल बी स्पैन ऑफ E1 E2 एंड E3 आई होप आपको क्लियर है तो ये दोनों जो आएंगे नल स्पेस और रेंज स्पेस वो आएंगे स्पैन ऑफ e1 e2 e3 क्लियर तो वो इक्वल आ जाएंगे इन जनरल अगर आप पूछो कि सर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सी तो मैं आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूं आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जब आपको बेसिस के एलिमेंट की इमेज पता चल जाए अंडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी होगी x1 x2 x3 x4 x5, x6 इस तरह के किसी भी वेक्टर को लेके जाएगी x4, x5, x6, 0, 0, 0 इस वेक्टर पे दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन इज योर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका रेंज स्पेस भी इवन e2, e3 से जनरेट होगा और जिसका नल स्पेस भी इवन e2, e3 से जनरेट होगा तो इसके जो ड्रेन स्पेस और नल स्पेस है वो सेम सब स्पेसेस होंगे एंड हेंस ऐसी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है आर सिक्स पे यानी कि एक ऐसा लीनियर टी एग्जिस्ट करता है जो बिलोंग करता है आर सिक्स माइनस जीरो को ऑब्वियसली वो नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से थी तो दिस इज ए राइट आंसर ऑब्वियसली इफ दिस इज राइट देन दिस इज ए रॉन्ग आंसर क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई होप क्लियर है आपको ओके सो नेक्स्ट गो टू आवर क्वेश्चन सेम पेपर जून 2019 पेपर कोड बी एंड क्वेश्चन नंबर 22 दिस इज ए सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन
सॉरी मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन अगेन। तो क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे 3x3 मैट्रिक्स है, तो ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, यानी कि ये A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, sorry A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3, ये आपको कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 की पावर i + j इनटू ए आई जे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन को पहले समझ लो, कहना क्या जा रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है कि ए आई जे एंट्री है, ठीक है, जैसे ये A11 एंट्री है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 की पावर i + j यानी कि 1+1, 1+1 कितना होएगा 2, -1 की पावर 2 कितना 1, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 की पावर 1+2 यानी -1 की पावर 3 से, -1 की पावर 3 कितना होगा -1, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो। इसी तरह इस एंट्री को -1 की पावर 1+3 यानी -1 की पावर 4 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको -1 की पावर 4 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर 4 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर 5 यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर 4 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर 5 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर 6 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा कर दिया मैंने मैट्रिक्स में, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, वो पहले वाली से चेंज होके वो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ये चार एंट्रीज तो मल्टीप्लाई होंगी -1 से और बाकी सारी एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी 1 से। आई होप आपको क्लियर है। तो वो मैट्रिक्स ये बन जाएगी। अब ये ए नहीं है, वो नई मैट्रिक्स ये ए क्या थी, जिसमें A11, A12 हो सकता, ठीक है। वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और जो पहले ए थी उसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट इक्वल रहेंगे या नहीं। तो हमें एक सिंपल सा रिजल्ट पता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो चलो इसी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मैं ये डिटर्मिनेंट ले गया। अब डिटर्मिनेंट के केस में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से पूरी की पूरी एक एंट्री कॉमन ले सकते हैं। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, सेकंड कॉलम पकड़ लो या सेकंड रो पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी, और उसमें से -1 कॉमन ले लो। मैंने -1 बाहर कॉमन निकाल दिया। जैसे ही मैंने -1 बाहर कॉमन निकाला तो ये एंट्री कितनी हो जाएगी प्लस की, ये एंट्री भी प्लस की हो जाएगी और ये एंट्री हो जाएगी माइनस की। आई होप क्लियर है, क्योंकि इन तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, -1 कॉमन निकाला था, ये -1 से डिवाइड कर दिया। सेम बात, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये माइनस नहीं था, कहीं कर देते। अब क्या करते हैं, सेकंड रो देखो, सेकंड रो में अब फिर से पूरा माइनस कॉमन है तो -1 फिर से कॉमन निकाल दी, क्या हो जाएगा, ये एंट्री फिर से प्लस की होगी, ये भी प्लस की होगी, ये भी प्लस की होगी। अब जरा देखना, ये जो ये मैट्रिक्स बनी है, ये डिटर्मिनेंट जो बना है, ये क्या ये तो ए का ही डिटर्मिनेंट नहीं है, ये तो ए मैट्रिक्स ही बन गई। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 × -1 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच इज इक्वल्स टू -1 × -1 बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि जो हमने मैट्रिक्स बनाई, हर एंट्री को -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करके, उस नई मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो ए के डिटरमिनेंट के ही इक्वल होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। और अगर ये राइट है तो फिर ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आई होप क्लियर है, ओके। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसी तरह से ए आई जे को -1 का अंडर रूट कितना होता है आईटा की पावर i + j से। ये कंफ्यूज मत होना, ये आई है ये आईटा है, आईटा को मैं थोड़ा सा यूं रखूंगा और आई को थोड़ा सीधा रखूंगा, क्लियर। तो -1 की पावर, सॉरी आईटा की पावर
आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करता है। तो जरा देखना वो मैट्रिक्स किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये थी मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये थी मेरी मैट्रिक्स, क्लियर है। अब आपको पता है माइनस वन की पावर, सॉरी आयटा की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करना है, आयटा की पावर आई प्लस जे से। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होगी पहली एंट्री, आयटा की पावर इनका सम कितना 2, आयटा की पावर 2 कितना माइनस वन, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ होगी आयटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई, आयटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयटा, यहाँ माइनस आयटा से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ होगा आयटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई, आयटा की पावर 4 कितना होती है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं। यहाँ होगी आयटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई, आयटा की पावर 3 अगेन माइनस आयटा। यहाँ होगी आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4 अगेन 1, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं। यहाँ होगी आयटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई, आयटा की पावर 5 कितना, आयटा की पावर 5 कितना आयटा। यहाँ मल्टीप्लाई होगी आयटा की पावर 4 से, आयटा की पावर 4 कितना 1, कोई फर्क नहीं। यहाँ होगी आयटा की पावर 5 आयटा, और यहाँ होगी आयटा की पावर 6, आयटा की पावर 6 कितना माइनस 1, तो ये माइनस की हो जाएगी। क्लियर है इतना, तो नई मैट्रिक्स आपकी ये बताएगी। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ए के डिटरमिनेंट में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो उस वही वैसा ही कुछ काम करेंगे। सेकंड रो पकड़ लो या सेकंड कॉलम पकड़ लो, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है मुझे, मतलब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगेन सिमिलरली अगर किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या कॉलम से अगर मैं कोई एंट्री पूरी की पूरी बाहर कॉमन ले सकता हूँ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते टाइम, तो सबसे पहले सेकंड रो में से या सेकंड कॉलम में से ऐसा करता हूँ आयटा कॉमन ले लेता हूँ, आयटा बाहर आ गया, आयटा के बाहर आते ही देखना क्या होगा, यहाँ से आयटा चला जाएगा, यहाँ माइनस बच जाएगा, तो माइनस ए टू वन बच जाएगा, यहाँ पे वन बाई आयटा आ जाएगा और यहाँ से आयटा चला जाएगा। आई होप क्लियर है इतना। अब जरा वन बाई आयटा की वैल्यू बताओ, 1 बाई आयटा की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर नीचे आयटा से मल्टीप्लाई कर दोगे पता चल जाएगा 1 बाई आयटा की वैल्यू माइनस आयटा, ठीक है। ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगी आयटा कॉमन लेने के बाद। अब फिर से देखो सेकंड कॉलम में से आयटा कॉमन आ रहा है, फिर से एक और आयटा कॉमन ले लेता हूँ और वो लूंगा मैं सेकंड कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से आयटा बाहर जाते ही यहाँ से आयटा चला गया, यहाँ से आयटा चला गया, यहाँ से आयटा चला गया, ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस भी रह गए, मुझे इसको पूरा ए में कन्वर्ट करना है, अब माइनस भी रह गए, माइनस को कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं। क्या या तो यहां से एक माइनस कॉमन ले लो या यहां से जहां से मन करे वहां से, मान लो मैं यहां से एक माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस वन कॉमन लेते ही ये माइनस चला गया, ये माइनस चला गया और यहां माइनस वन लग जाएगा क्योंकि ये प्लस का था। अब सिमिलरली एक और माइनस वन कॉमन ले लो सेकेंड रो से, तो वो करते ही ये माइनस चला गया और थर्ड यहाँ पे लग गया माइनस वन, यानी ये माइनस का हो गया। अब थर्ड रो में से माइनस वन कॉमन लो, मतलब थर्ड कॉलम में से माइनस वन कॉमन ले लो और फिर से माइनस वन कॉमन लेते ही ये माइनस वन चला जाएगा, ये माइनस वन चला जाएगा, ये माइनस वन चला जाएगा और बाहर एक माइनस वन आ जाएगा जो थर्ड कॉलम से बाहर। अब पर ये क्या बन गया मैट्रिक्स, ए का ही डिटरमिनेंट नहीं बन गया, ये आ गया आयटा इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करते हो आयटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन फोर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वन के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल आ जाएगा। सो अगेन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। आई होप क्लियर है आप सभी को। सो यही पे आज ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, थैंक यू वेरी मच।